वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जेड के एफ न्यूज़ से तारिक मीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं दुबई के एक मॉल में आया तो मुझे ख्याल गुजरा, दो तीन दिन पहले पाकिस्तान में एक कानून बना जिसमें कहा गया कि हम इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हैं, और बेशुमार चीज़ों को उन्होंने ज़िक्र किया। हमारी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नाम लिया कि जी फ़लाँ चीज़ पर भी बैन लगा दिया गया, फ़लाँ पर भी बैन, फ़लाँ पर भी बैन, और साथ साथ एक जुमला वो बार बार दोहरा रही थी कि मुकम्मल बैन लगा दिया गया, यानी उसमें ये नहीं था कि उसकी कोई मकदार या कुछ ऐसी चीज़ है, मुकम्मल उन्होंने कहा बैन लगा दिया। और उसमें बेशुमार आइटम्स ऐसे हैं जो कि हमारे डेली रूटीन के आइटम्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और इसी तरह यूज़ की चीज़ें हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि जो पाबंदी लगाने वाले लोग हैं, इनकी अपनी पोजीशन तो ये है कि इनके अपने बच्चों की जो नेपियां हैं, इनके अपने जो पैंपर्स हैं, इनके जो एनिमल्स हैं, इनके जो पेट हैं, जो डॉग्स हैं, जो कैट्स हैं, जो दीगर इनके छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, उनका फ्रू उनका फूड जो है उस तक ये लोग बाहर से लेकर जाते हैं। और इन्होंने ये पाबंदी लगा दी जी कि तमाम चीज़ें हम बैन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, इम्पोर्ट आपकी कम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास इन तमाम की तमाम चीज़ों का मुतबादल मौजूद है, जो आप खर्च जो जिस चीज़ों पर आपने बैन लगा दिया, क्या आपके पास इन तमाम चीज़ों का मुतबादल मौजूद है? हाँ, अगर तो मुतबादल आपके पास मौजूद है, आपने अपने सबका द्वार में ऐसी कोशिश की है, मेहनत की है, फैक्ट्रीज लगाई हैं, और आपके यहाँ स्टोरेज का सिस्टम मौजूद है, फ्रूट्स का सिस्टम मौजूद है, वेजिटेबल का सिस्टम मौजूद है, दीगर जो शेयर खुदनोश हैं वो आपके पास मैसर हैं, और इसी तरह आपके पास जो आपके ड्रेसेस हैं, जिक्र इस्तेमाल के जितने भी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया आपने, अगर तो आपके पास आप लोगों ने अपने पास्ट में माजी में अगर तो आपने मेहनत की, कुछ आपने बनाया है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और यकीनन कुछ नहीं किया, तो मेरे बहन मुझे ये बताइए, मोहतरमा, फिर ये बताइए कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, दुनिया से कैसे कट के आप रहेंगे। दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों के एग्जांपल आप हमारे सामने मौजूद हैं कि जब किसी मुल्क की प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई गई, पाबंदी लगाने वालों के साथ उन्होंने बाद में क्या किया। और ये भी मेरा एक सवाल है आपसे, पूछना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी कौम से, और ख़ास तौर पर इन जो है बैठे हुए जो हमारे इक्तदार में बैठे हुए जो लोग हैं इनसे, कि जिन लोगों की चीज़ों पर आपने पाबंदी लगाई है, तो सवाल ये है क्या वो आपकी चीज़ों को ख़रीदेंगे? कोई मामला तो नहीं लगता हमारा कि हम उसकी चीज़ को ना ख़रीदें और वो हमारी चीज़ को ख़रीदें। फिर ऐसा भी आपने नहीं किया कि चलो चंद मुल्कों का आप नाम ले लें कि जी फलां फलां की प्रोडक्ट हम नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट नहीं ख़रीद रहा तो आप उसकी ना ख़रीदें, लेकिन यहाँ तो कुल्लियतन एक ये नहीं कहा गया जी कि वो कौन कौन से मुल्कों की चीज़ें या किस उन कुल्लियतन कि ये चीज़ भी हम पाबंदी लगा रहे हैं, ये भी पाबंदी लगा रहे हैं, ये भी पाबंदी लगा रहे हैं। मैं फिर ज़्यादा करूँगा कि पाबंदी लगाएँ, अच्छी बात है, आपको चाइना की तरह अगर आप हैं, अगर आप तमाम की तमाम चीज़ें प्रोडक्ट जो आपकी हैं, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रूर पाबंदी लगाइए, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर आपको पता हो कि आपकी आवाम, आपके लोग, आपकी जो नेशन है वो सर्वाइव कर लेगी। आपके पास तो मैं क्या अर्ज़ करूँ कि क्या क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास तो सवाए करप्शन के तो कुछ हो रहा ही नहीं है, हमारे पास तो सवाए जो है वो दावे करने के और तो कुछ है ही नहीं है, और जो कुछ है तो हमने वो बर्बाद किया हुआ है। मुल्क की हालत ये है कि हम दिवालिया होने के करीब करीब पहुंचा दिया आप लोगों ने इस मुल्क को, और आप बैठे हुए हैं कह रहे हैं जी हम फलां चीज़ पर पाबंदी लगा दी, फलां पर पाबंदी लगा दी। गोया के ओवरसीज़ जो हैं उनके लिए तो खुशखबरी अच्छा है कि लोग उनसे कुछ मांगेंगे नहीं कि जी फलां चीज़ नहीं लानी, फलां नहीं लानी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो यूज़ की चीज़ें डेली रूटीन की जिन पर पाबंदी लगा रहे हैं, उसके मुतबादल आपके पास है क्या? अगर तो मुतबादल मौजूद है फिर तो ज़रूर पाबंदी लगाइए। और फिर ये भी है कि जिनके मुल्कों में आपने पाबंदी लगाई है, क्या आप अपनी प्रोडक्ट उनको सेल करेंगे या नहीं, क्या वो आपसे वो चीज़ें लेंगे या नहीं? अगर नहीं लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपने ड्राई फ्रूट पर पाबंदी लगा दी तो मुझे बताइए, ये तो आप ईरान से ख़रीदने, अपने पास से ख़रीदने, और बेशुमार चीज़ें हैं जिन पर आपने पाबंदी लगाई है, जो बेशुमार वो चीज़ें हैं जो कि लग्जरी आइटम नहीं भी हैं। और फिर वही बात है कि आप लोगों के घरों में तो छोटी छोटी चीज़ें भी जनाब बाहर से जाती हैं, हमें पता है यहाँ मॉल में कौन कौन ख़रीदारी करता है, और दुबई के महंगे तीन मॉल्स में कौन ख़रीदारी करता है, ये भी हमें मालूम है यहाँ पे कि आप लोग आम मॉल में तो आप लोग जाते ही नहीं हैं, और आपने पाबंदी लगा तो लगा दी है, लेकिन सोचिए उस आवाम का जो लोग बाकी हैं उनके साथ क्या बनेगा, और इस वजह से हमारे मुल्क को नुकसान क्या होगा, इसका भी ज़रा तसव्वुर कीजिए। उम्मीद है कि मेरी ये पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।